ये जो लड़कियां बैठी एक समय था स्त्री शुद्ध होना दिया स्त्री और शुद्र वेद नहीं पढ़ सकते ऐसा लोगों में गलत प्रचार किया गया। यदि स्त्रियां लड़कियां चलिए वेद तो बहुत दूर की बात है कॉपी किताब भी नहीं पढ़ सकते। बीच में एक काल जब गुलामी का था उसमें ऐसा प्रचार किया लेकिन उस स्वामी से बताया लड़कों के गुरुकुल टूटे और उनको बदले में क्या मिला हमारे देश में मृत्यु गोलियां। इसी प्रकार पंडित चंद्रपति ने महाशय आजपाल इन इस्लामिक लोगों ने आतंकवादी लोगों ने दो किताबें लिखी एक 19वीं सदी का लंपट महर्षि जो ऋषि दयानंद थी और दूसरी कृष्ण तेरी गीता जगाएगा कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी लिखा और कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए उनकी गलत अपनी मनगढ़ंत बातों को उसने लिख करके कृष्ण को बदनाम करने की जब साजिश रखी तो इस देश में ये जितने मत पंथ संप्रदाय सनातन के भीतर ही आपको नजर आते हैं जो आज कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए तुले हुए एक भी व्यक्ति नहीं था जो उस किताब का जवाब दे पाता और बोलता कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी नाम किताब लिखने का किसी ने प्रतिउत्तर नहीं दिया। उस समय पंडित चंद्रपति अगले खड़े हुए बोले कि मैं इसका प्रतिकार करूंगा मैं इसका उत्तर दूंगा और पंडित चंद्रपति ने किताबें लिखी पहली किताब योगेश्वर श्री कृष्ण जो कृष्ण के सत चरित्र को महाभारत के अनुसार उद्धृत करती थी कि कृष्ण जी का चरित्र कितना महान है एक नाम तो कृष्ण को बदनाम कर रहे थे झूठ के आधार पर कोई सनातन में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका उत्तर दे पाता। दूसरी तरफ चंद्रपति ने लिखा योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके मोहम्मद पैगंबर का चरित्र चित्रण किया प्रमाणों के आधार पर आप किताब तो लिख दी लेकिन इतनी भयावह और इतनी सत्य और इतनी प्रमाणिक आधार पर लिखी कि दुनिया का कोई व्यक्ति सनातन का ही कोई व्यक्ति उस किताब को प्रकाशित करने को तैयार ना हुआ क्योंकि उस किताब को प्रकाशित करने का मतलब था सजाए मौत गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा कंसर से किताब प्रकाशित होती नहीं कि उधर से गोलियां चल जाती चाकू चल जाते कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय महाशय राजपाल तैयार हुए बोले मैं तुम्हारी किताब को छापूंगा और लेखक हो तुम तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा। उन्होंने किताब को छापा छापने के बाद पूरे समाज में गवर्नर बन गया क्योंकि किताब इतनी प्रमाणित थी उन पर मुकदमे किए गए मुकदमे करने के बाद महाशय राजपाल मुकदमा जीत भी गए यहाँ तक कहा गया कि तुम बता दो अब जब महाशय राजपाल की बातें सब सत्य थी पंडित चंद्रपति ने सब सच लिखा था सब विश्लेषण के आधार पर लिखा था तो न्याय उनके पक्ष में हुआ जब न्याय उनके पक्ष में हुआ तो इस नाम के मानने वाले बावला ने बोले कि अब तो उनकी सजाए मौत हुआ लेकिन उसको कहा गया कि तुम्हारी मृत्यु से हम तुम्हें बचा सकते हैं यदि तुम ये बता दो कि ये लिखी किसने क्योंकि लेखक का नाम बताया नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा कोई नहीं मैं मरना स्वीकार कर लूंगा लेकिन लेखक का नाम नहीं बताऊंगा। ये दोस्ती थी ये मित्रता की पराकाष्ठा थी ये मैत्री थी उस समय हमारे समाज में नाम बताया नहीं कि ये पंडित चंद्रपति उसके बाद क्या हुआ पंडित चंद्रपति अन्ने का जब नाम समाज में प्रकाशित नहीं किया तो महाशय राजपाल की चाकू भोंक भोंक करके हत्या कर दी गई। ये बलिदान है हमारे समाज का ये हमारे समाज का बलिदान है जो आज पता ही नहीं लोगों को और जब ये किताब लिखी तो गांधी खड़े हो गए बोले तुम्हें इसका प्रतिउत्तर देना चाहिए ये कौन महाशय राजपाल है जो ऐसी बातें लिख रहे हैं इससे समाज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन उस गांधी को तब याद नहीं आया जब कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी ये किताब लिखी जा रही थी उस पर गांधी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया लेकिन उसका प्रतिकार जब किया सच लिख करके तो गांधी की नींद उड़ गई वो महाशय राजपाल मृत्यु को प्राप्त हुए बलिदान और ये एक दो तीन चार बलिदान नहीं है
उस शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इसी साल शुद्धि आंदोलन की जो अखिल भारतीय शुद्धि सभा है उसका भी शताब्दी वर्ष है। इसी साल उस फरवरी में शुद्धि सभा को भी 100 साल हो गए। जो शुद्धि सभा स्वामी श्रद्धानंद ने बनाई थी हमारे भाइयों को पुनः सनातनी बनाने के लिए, उस शुद्धि सभा की भी शताब्दी महोत्सव में इसी साल। तो ये साल बड़ा अद्भुत है उस दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से। किंतु जब तक स्मरण नहीं करेंगे तब तक तो कोई फायदा नहीं है। तो पंडित लेखराम का बलिदान भी ऐसे ही हो गया। पंडित लेखराम का बलिदान भी ऐसे ही हुआ। एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे भी शुद्ध होना है, वो तो शुद्धि कर रहे थे। आप देखिए ये पराकाष्ठा कैसी थी कि कोई मौलाना जाकर के गांव में कुएं में कुल्ला कर देता था सुबह सुबह भरी मुहूर्त में, और उसका पानी जब वहां के तमाम सनातनी लोग पी लेते थे। तो ये जितने भी हमारे धर्म के रूढ़िवादी लोग हैं, सनातन में बहुत सारे रूढ़िवादी लोग हैं, ये कहते थे भैया खुद तुम मुसलमान हो, तुमने तो मौलाना के जूता पानी पी लिया, अब तो तुम मुसलमान हो। ऐसी हमारे यहाँ मतलब अपने भाइयों को उसी सनातन के लोग कहते थे तो तुम मुसलमान हो गए, तुमने मौलाना का पानी पिया। ऐसे करते करते न जाने कितने गांव के गांव इस्लामी हो गए सिर्फ इसलिए कि तुमने मौलाना का पिया। तो उनको ये तो बड़ा सरल तरीका है लोगों को मुसलमान बनाने, कुछ करना नहीं, धमकाना नहीं, कुछ नहीं करना, जाओ उनके कुएं में पानी बेगुल्ला कर दो, वो पीने के क्यों, क्योंकि इनके पंडितों ने तो ये एक बढ़िया हमारे लिए सरल इंतजाम बंदोबस्त कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करते करते कई गांव के गांव मुसलमान हो गए। उन गांव के गांव को पंडित लेखराम ने पुनः सनातनी बनाया। उस पंडित लेखराम को क्या मिला, सजाए मौत। मतलब वो लोग आकर के हमारे ही भारत में, हमारे ही घर में, हमारे देश में हमें हमारे पथ से भ्रष्ट कर रहे थे तो कुछ नहीं, हमने अपने लोगों को पुनः सही रास्ते पर लाए, सही मार्ग पर लाए, तो उसमें लोगों को समस्या। ये आज हमें लोगों के बीच मसाइल करने की जरूरत है, और हमने कभी तलवारें नहीं उठाई। सोमनाथ का मंदिर कैसे टूटा भाई, सोमनाथ का मंदिर जब लुटेरे लूटने के लिए आए तो हमारे पास किस चीज की कमी थी, कौन सी संपदा की कमी थी, कौन से संसाधन की कमी थी। लेकिन पंडितों ने कहा कि कोई हाथ नहीं उठाएगा इन आक्रांताओं पर, कोई इनका प्रतिकार नहीं करेगा, स्वयं बाबा काशी विश्वनाथ इनका प्रत्युत्तर देंगे। ऐसे लोगों के बड़े मानसिकता भर दी, और जब ये मानसिकता भर दी और वो लुटेरे आए और आकर के सबसे पहला प्रहार उन्होंने शिव की मूर्ति पर ही किया, और तो और उस मूर्ति को ले जाकर के अपने देश की मस्जिदों की सीढ़ियों में ढुलवाया कि ताकि जब भी कोई इस्लामिक व्यक्ति मस्जिद में इबादत करने जाए तो इनके आराध्य के ऊपर पैर रख जाए। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण है। आप देख रहे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग निकला है उसको वजू खाना बना रखा है, हाथ पांव को धोने का स्थान दिया। लेकिन हमने क्या करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहन भाई की, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का गीत केवल हिंदुओं ने गाया। ऐसा गीत आपको कभी मस्जिद और मदरसों से सुनने नहीं आया, लेकिन चिपी हमने टॉलरेंस का भाव रखा, सहिष्णुता का भाव रखा, प्रेम का भाव रखा, अपनत्व का भाव रखा, और इसीलिए न भूतो न भविष्यति स्वामी श्रद्धानंद इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में मिंबर पर जहां पर केवल और केवल इमाम को बोलने का अधिकार है, केवल और केवल मुस्लिम गुरुओं को बोलने का अधिकार है, वहां से स्वामी श्रद्धानंद ने वेद मंत्र या न भूतो न भविष्यति न स्वामी श्रद्धानंद जैसा कोई हुआ न होगा। लेकिन आज जिन सन्यासियों की मूर्ति लगाई गई है, जिन सन्यासियों की फोटो लगाई जा रही है, उन सन्यासियों के गुरुओं की आत्मकथाओं को जीवनी
और उन सन्यासियों की मैक्स मूलर ने प्रशंसा करी। मैक्स मूलर ने उन सन्यासियों की प्रशंसा करी, सन्यासियों लोगों की प्रशंसा करी, और मैक्स मूलर जैसे लोगों ने भी ऋषि दयानंद की सबसे अधिक निंदा करी, जबकि ऋषि दयानंद ने लोगों को वेद का सही अर्थ का पाठ कराया। मैक्स मूलर ने अलग किया और इसी देश के कुछ सन्यासियों ने मैक्स मूलर की प्रशंसा करी और आज वो सन्यासी इस देश के सनातनियों के आइकन बन गए। क्यों? क्योंकि हम अपनी सत्य की दीवार को उतना ऊंचा नहीं करा पाए, सत्य की दीवार को उतना ऊंचा नहीं करा पाए। आज भी इस देश में कोई मोहम्मद पैगंबर पर एक छोटी सी टिप्पणी करे, अगर किसी को मरना हो, किसी को मृत्यु का ग्रास करना हो, किसी को काल के गपा कपाल के समाना हो, तो एक टिप्पणी कर दीजिए इस्लामी मोहम्मद साहब पर या नबी पर, उस नाटक में भी एक सजा लेकिन इस देश में प्रतिदिन नाम के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, प्रतिदिन श्री नाम को गाली दी जाती है, प्रतिदिन श्री नाम के अस्तित्व के प्रमाण मांगे जाते हैं, और सीता माता को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता गाली दे देते हैं तो कोई नहीं बोलता। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि कल युग में कभी ऐसे पुण्य था भारत की तरह धर्म के आयाम थे, रावण के खानदान में होंगे वो दोष तो जो लोग कह रहे हैं कभी नाम नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, जब ये कहा के राम नहीं थे तो ये लगा, जब ये कहा के राम नहीं थे तो ये लगा, जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। मतलब राम को गाली देना राम के ही देश में अत्यंत सरल है, लेकिन एक बार से आयातित व्यक्ति को हल्की सी सच्ची टिप्पणी करना इस देश में उसका अर्थ होता है सच्चाई मौत। लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद ने सत्य के प्रतिमानों को स्थापित किया, उन्हीं के अनुयायियों ने उनसे कहा कि आप बोलिए, आप सनातन का प्रचार कीजिए, गलत चीजों का खंडन कीजिए, दूसरे मत मजहब पंथ संप्रदायों की कुरीतियों को उजागर कीजिए, लेकिन इस समय इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत है, आप इनके विरुद्ध ज्यादा मत बोला दीजिए, क्योंकि इनके विरुद्ध बोलेंगे तो आपको खामखा प्रताड़ित करेंगे, आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, आपको डराया जाएगा, हो सकता है आपको जेल में बंद कर दिया जाए, हो सकता है आपको मार दिया जाए, हो सकता है आपको फांसी पर लटका दिया जाए, आप मत बोलिए। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या उत्तर दिया, बोले मेरी एक एक उंगली को यदि मोमबत्ती की भांति जला भी दिया जाए तो भी मैं सत्य पद से हटने वाला नहीं हूं, सच बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा। ये ऋषि दयानंद, लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम कॉमर्शियल हो गए, हम इस मंच पर आकर के उस मत के खिलाफ ना बोल जाए। क्यों? क्योंकि हम उस मत के विरुद्ध बोलेंगे तो कहीं हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं वो नाराज ना हो जाए, हम उस पंथ के बारे में ना बोल जाए, क्योंकि मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त है और वो मेरी इन बातों को सुनेगा तो वो नाराज ना हो जाए। अरे भाई, वो नहीं सोचता जब वो ऐसा करता है और हम झूठ क्या बोल रहे हैं, हम सच्चा इतिहास ही तो बोल रहे हैं, हम झूठ क्या बोल रहे हैं, हमारे महापुरुषों को जिन्होंने मारा, और यदि हमारे ही भाई अविद्यावश अज्ञानवश उन आक्रांताओं की पूजा करेंगे तो क्या हमारा फर्ज है नहीं उनको रोकना, क्या हमारा उत्तरदायित्व है नहीं उनको रोकना, तो उसमें झूठ क्या है, हम तो सच ही बोल रहे हैं।